वाराणसी के सुलेमानपुर गांव में आज जश्न का माहौल है। मोहल्ले के लोग ढोल नगाड़ों और डीजे पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर नाच रहे हैं। दोस्तों में मिठाइयां बंट रही हैं और सभी लोग खुश हैं। दरअसल सोमवार रात विजय यादव ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वार्टर फाइनल राउंड से बाहर होकर रैपचेज राउंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने साइप्रस के पेट्रोस को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। विजय ने महज 58 सेकेंड में ही गेम जीत लिया था। बहुत खुशी है, कोई कह नहीं जाता कितनी खुशी है। विजय मेरा बेटा है, दिक्कत बहुत हुई थी, उसको पार कर भगवान कर दें और इसे आगे बढ़ें, गांव का देश का विकास करें, नाम करें। विजय ने उपलब्धि हासिल की जी, उसको आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे कि देश के लिए और अच्छा करो, जितना हो सके अपना परफॉर्मेंस दो और देश के लिए और मेडल जीतो कि गांव, राज्य और देश का नाम रोशन करो। यहाँ तक का सफर करने में विजय को कितना मेहनत करना पड़ा था? मेहनत तो बहुत करना पड़ा, मेहनत बहुत करना पड़ा और मेहनत का ही नतीजा है कि जो यहाँ तक पहुँचा है। गांव का लड़का कल बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज फतेह करके लाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर विजय को बधाई भी दी।